धनबाद में आम सभा में हंगामे के बाद बुधवार को पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स दो गुटों में बढ़ता दिखा। बता दें, बुधवार को पुराना के व्यवसायियों ने चैंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के बैनर तले अग्रसेन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। वहीं सोहराब खान, राजेश गुप्ता, प्रदीप नारनौली, भीखू राम अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष की मौजूदगी में शक्ति मंदिर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार से जुड़ने की घोषणा की। इस मौके पर पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के लिए हम लोग चुनाव पदाधिकारी से मिले, जिला चैंबर से भी आग्रह किया, लेकिन कहीं हमारी बातों को नहीं सुना गया। चैंबर बॉयलॉज के अनुसार चुनावी अधिसूचना जारी होने पर 15 दिन के अंतराल पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन इतनी हड़बड़ी में चुनाव कराया जा रहा जिससे प्रतीत होता है कि पुरानी कमेटी की मंशा ठीक नहीं है। पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि सब कुछ हम लोग सहन कर रहे थे, लेकिन जहां मान सम्मान की बात आएगी वहां व्यापारी पीछे नहीं हटेगा। हम लोगों की सदस्यता अभियान में 4 घंटे में ही 350 सदस्यों ने चैंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार की सदस्यता ग्रहण किया है और आजकल में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 450 हो जाएगी। यह दर्शाता है कि व्यापारियों में पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स की पुरानी कमेटी के प्रति कितना आक्रोश है। वार्ता आयोजित की गई थी, हम लोगों ने कल भी एक बैठक आयोजित की थी और पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अव्यवहारिक निर्णय और डेमोक्रेसी पे कुठारघात करने वाले निर्णयों के खिलाफ जब हमारी गुहार नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने कल निर्णय लिया कि हम अपना एक संगठन अलग बना लेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जो है लोग दरवाजा खटखटाते हैं न्याय का, लेकिन जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है तब हम अपना, हम व्यापारी हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम अपना रास्ता अलग कर लेना चाहते हैं। कि आप लोग अपना संगठन तैयार किए हैं? देखिए, हम लोगों ने बाध्य होकर के, खुशी मन से नहीं, बाध्य होकर के जो है अपना एक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार का गठन कर लिया है और उसकी सदस्यता अभियान कल से चालू हो गई है और हम लोगों ने मात्र 4 घंटे में, कल 2 घंटा और आज सुबह 2 घंटा, 4 घंटे में 350 मेंबर बना लिया है और हमको उम्मीद है आज रात तक हम लोग इसको 400 से 500 ले जाएंगे। लोगों में आक्रोश है। वर्तमान सदस्य यहाँ, यहाँ अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें 700 है, आप देख लीजिएगा उस 700 में 500 मेंबर नई कमेटी में शामिल होंगे। चुनाव का विरोध हम अपना चुनाव कराए, हम तो जब मेरी बात ही, हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, हम चुनाव का कभी नहीं बहिष्कार नहीं, हम वोट पर क्यों बहिष्कार, हमारा हम अपना नया मेंबर बना ले रहे हैं। पुराना बाजार चैंबर का तालमेल अचानक इस तरह से टूटा, दो गुट में बिखरा, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, जब आपको मैंने कहा प्रजातंत्र पे सबसे बड़ा अगर कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो वो सदस्य होता है, आम मतदाता होता है। अगर आम मतदाता की बात आप नहीं सुनिएगा और जो अगर कुछ अपनी बात, जायज बात को रखता है आपके सामने और उसको आप धमकाइएगा, आप उसके आवेदन को स्वीकार नहीं कीजिएगा, तो हम लोग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। क्या कहा जा सकता है, पुराना बाजार के दुकानदार पुराने चैंबर से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। आज यहाँ आप प्रेस वाले के साथ हमारे सदस्यों की बैठक देख लीजिए और आप लोग आइए बाजार में, आपको मैं सैकड़ों दुकान में जो चैंबर का गठन अभी कर रहे हैं पहले से सदस्यता का फॉर्म सटा हुआ मिलेगा सब जगह। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम ये होगा हम सदस्यता पूरी कर जी बताएंगे आज के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। देखिए, पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के द्वारा तानाशाह रवैये के खिलाफ आज दुकानदारों ने इकट्ठित होकर के मजबूरन नए चैंबर का गठन हम लोगों को करना पड़ा। मैं यहाँ पर अपने बातों को वसीम बरेलवी के शायर के साथ शुरू करूँगा। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा जो गलत प्रक्रिया की शुरुआत की गई, चैंबर के वर उपाध्यक्षों को चुनाव कमेटी में रखा गया, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन लोगों से निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद कर सकते हैं?
आपको एक मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि पुराना बाजार के चुनाव से जो है ना जिला चैम्बर के चुनाव को साधा जा रहा है। 2019-21 के लिए पुराना बाजार का चुनाव हुआ था और इन लोगों ने 2023 तक चुनाव चलाया, मैंने दो सेशन पूरा किया और उसी वक्त जिला चैम्बर का भी चुनाव हुआ था। हम लोग की डिमांड थी कि ये दो सेशन को पूरा कंप्लीट माना जाए और फिर नए सेशन की शुरुआत हो, मगर एक ही सेशन को माना गया। अजय नारायण लाल जी दोबारा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं जबकि उनका कार्यकाल हमारे हिसाब से ख़त्म हो चुका है, दो सेशन उन्होंने पूरा किया और इसी को देखा करके जिला में भी उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब एक सेशन दिखाया गया। पुराना बाजार चैम्बर आज दो ग्रुप में बंटने की नौबत आ गई है, क्या कुछ कारण रहा है, क्या कुछ नया चैम्बर करेगा? कहूँगा कि दो ग्रुप में बंटना है, मैं ये कहूँगा कि अब आज हम लोगों ने एक नए चैम्बर का फंड किया है जो व्यवसायियों का चैम्बर ये होगा, इसके प्रतिनिधि भी व्यवसायी होंगे और इसके सदस्य भी व्यवसायी होंगे। देखिए कारण ये है, जब आपकी बातों को नहीं सुना जाए, आपकी बातों को शालीनता से रखी हुई बातों को पर उधर से जवाब जो आए बिल्कुल शालीनता वाला ना हो, सीधे ईगो हट हो, ईगो से ज़्यादा सम्मान पे जब बात आए तो अपना रास्ता अलग करना होता है। आज हम लोगों ने सम्मान के खातिर, आत्मसम्मान के खातिर अपना रास्ता अलग किया है। जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो मूल है, जो सिद्धांत है, जो पवित्र उद्देश्य है दुकानदारों की सेवा, एक कोऑर्डिनेशन ग्राहकों के प्रति, एक कोऑर्डिनेशन व्यवस्था के प्रति, उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आज जुटे हैं। ये पीसी है और ये हमारा जो नया तो जो हमारा जो बैनर है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, इसके सदस्यों की संख्या तकरीबन पूरी होगी, 1000 की संख्या में जाएगी और हम लोग हमेशा जिस तरह से व्यापार हित में काम करते आए हैं इस बैनर के नीचे हम अपना काम करते हैं। धन्यवाद।